देर रात तक नींद ना आए तो क्या करें? दोस्तों, अगर आप भी रात में अच्छी नींद ना आने की वजह से परेशान हैं, तो बता दें कि वास्तानुसार इसे लेकर एक रामबाण उपाय बताते हैं। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में सोने से पहले चुटकी भर नमक में पानी मिलाकर हाथ पांव धोने से अच्छी नींद आती है। अगर रात को नींद खुल जाती है तो उसके लिए तकिए के नीचे पीपल के पत्ते की जड़ रखने से नींद अच्छी आती है। रात को अपने तकिए के नीचे मूली रखकर सोएं, फिर सुबह उस मूली को भगवान शिव के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको राहु की दिशा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रात के समय सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा करने से भी आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। साथ ही आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र निद्रा भगवती विष्णु अतुलाम तेजसः प्रभु इस मंत्र का जाप कर गहरी नींद को पा सकते हैं। इस मंत्र का उपयोग करने से लोगों को भी लाभ होता है जिनकी नींद बीच बीच में टूट जाती है। फिर एक उपाय ये भी बताया जाता है कि अगर व्यक्ति अपने तकिए के नीचे लोहे से बनी कोई चीज जैसे कैंची या चाकू रखकर सोता है तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास नहीं भटकती है। ये तो शास्त्रों में बताए गए व पौराणिक उपाय हैं, लेकिन आप खुद से भी कुछ नियमों या बातों का पालन करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सोने और जागने का समय निर्धारित करें। कहा जाता है कि अगर आप रोज एक ही समय पर सोने और जागने का एक नियमित समय तय करते हैं तो इससे आपके शरीर को अच्छी और बेहतर नींद मिल सकती है। साथ ही सोने के लिए ऐसा समय चुनें जब आपको थकान महसूस हो रही हो, क्योंकि ऐसे में आपको आसानी से नींद आ सकती है। नियमित व्यायाम करें। योग शास्त्रियों का कहना है कि ऐसे लोगों को नियमित रूप से मध्यम शक्ति वाले व्यायाम करना चाहिए, जैसे तैराकी या पैदल चलना। यह आपके दिन भर के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोते समय जोरदार व्यायाम ना करें, जैसे दौड़ना या जिम, क्योंकि यह भी आपको कभी कभी रात भर जगाए रख सकता है। जरूरत से ज्यादा खाना और शराब के सेवन से बचें। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि किसी भी चीज की अधिकता व्यक्ति को हमेशा नुकसान व पतन की तरफ ले जाती है। यहाँ भी ऐसा ही है। इनका सेवन देर रात को बहुत ज्यादा करने से भी आपकी नींद के नियम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपने तो सुना ही होगा कि शराब का सेवन करने से आपको पहले से ही नींद आने लगती है, और जब ऐसे में रात में सोने का समय हो तो तब आपको नींद आने में बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अत्यधिक धूम्रपान करने वालों को नींद आने में अधिक समय लगता है। वे रात में तनाव के कारण बार बार उठते हैं और ऐसे में हमेशा उनकी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। कैफीन वाली चीजों को कम लें। ऐसे में आपको चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और कोला जैसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। खासकर शाम के समय इन चीजों का सेवन ना करें। कैफीन भी आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और फिर आप अच्छी नींद ना ले पाने के कारण से परेशान रह सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा आप सोने से पहले इन चीजों की जगह गर्म दूध या हर्बल चाय लें। इन सब के अलावा आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। अगर आपके आसपास कोई पालतू जानवर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे दूसरे कमरे में सुला दें, ताकि आप आराम से सो सकें। आरामदायक व नरम बिस्तर पर सोएं। सोने से पहले खुद को शांत संगीत सुनाकर रिलैक्स करें। सबसे बेहतर है कि अपनी चिंताओं के बारे में लिखें, फिर टेंशन फ्री होकर सो जाएं। इन सभी उपायों को अपनाने के बाद भी अगर आपकी नींद की कमी आपके रोज के जीवन पर असर डाल रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देर रात तक नींद न आने के कारण क्या है? पहला तो ये है कि अगर आपको देर रात तक जागने की लत है तो आप देर रात तक सोने से पहले मोबाइल फोन पर कुछ न कुछ चलाते रहते हैं, किसी न किसी से बात करते रहते हैं और फिर ऐसे में आपको नींद भी नहीं आती। दूसरा मुख्य कारण यह माना जाता है कि जो लोग अधिक रात तक जागते रहते हैं और फिर ब्रह्म मुहूर्त आते ही सो जाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी कुंडली अवश्य दिखा लेनी चाहिए। ऐसे लोग या तो राहु या किसी बुरे ग्रह की दशा से पीड़ित होते हैं या फिर उनकी कुंडली में राहु का खतरनाक प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राहु हर किसी के दिमाग पर सवार हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसे उपायों को अपने जीवन में अपनाया है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।